हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है 500 वाट पर चैनल का एम्पलीफायर ड्राइवर सर्किट बोर्ड। ये स्टीरियो में बना हुआ है। एक्चुअली अभी वन साइड कंपोनेंट्स फिल किए हैं, अदर साइड अभी ब्लैंक है। ये उसका पीसीबी है। इसका पीडीएफ फाइल मैंने लिंक में नीचे दे रखा है, आप वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप इस सर्किट को बना सकते हैं। एक्चुअली इसका सर्किट का वीडियो पूरा बन नहीं पाया, उसमें इनिशियल स्टेज में जो पीसीबी बनाने से लेके कंपोनेंट फिलिंग तक का वीडियो बाय मिस्टेक अच्छे से बना नहीं, इसलिए मैं उसे लोड नहीं कर रहा हूँ। इस ड्राइवर बोर्ड से आप 10 पेयर यानी कि लगभग 10 ट्रांजिस्टर तक आप इससे चला सकते हैं। तो 10 ट्रांजिस्टर में यानी कि आप इससे 1000 वाट तक का भी लोड ले सकते हैं, और उसके लिए आपको पावर सप्लाई 75 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव 75 वोल्ट तक इसे आप सप्लाई देना है, जो कि 20 एम्पियर होना चाहिए। एक क्लोज लुक लेते हैं इसके सर्किट डायग्राम पे। ये इसका पीसीबी फिलिंग वाला है, ये हमारा ड्राइवर बोर्ड ये हमने बना रखा है यहाँ पर। इसमें देखिए, ये जो आउटपुट जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो आउटपुट स्टेज को चलाएंगे, इसमें ये ट्रांजिस्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। ये है D718 एंड B688, तो इसकी जगह मैंने दूसरा लगा दिया है। इसकी जगह आप ये लगा सकते हैं, तोशिबा का 5198। ये तोशिबा का 5198 ट्रांजिस्टर है। एक्चुअली इतना बारीक नंबर लिखा हुआ है कि उसे कैमरे से क्लियर कर पाना मुश्किल है। और ये उसका पेयर है 2SA1941 तोशिबा का, तो आप ये लगा सकते हैं। और इसमें 150 ओम्स की रेजिस्टेंस है। देखिए 150 ओम्स भी मार्केट में थोड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप 150 ओम्स की जगह 100 ओम्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। ये जो 1N4007 ये तो कॉमन डायोड है, आसानी से मिल जाएगा आपको। और बाकी छोटे जितने भी ट्रांजिस्टर हैं सब आसानी से मिल जाएंगे। और ये दोनों आप चाहें तो ऐसा दोनों पीसीबी बना सकते हैं। ये आउटपुट स्टेज का अलग पीसीबी है और ये ड्राइवर स्टेज का अलग पीसीबी है, और इनके कनेक्शन जैसे के तैसे आपस में कनेक्ट करना है, GND से GND माइनस VCC से VCC, ऐसे आपको कनेक्शन करने हैं। तो मैंने ये आउटपुट स्टेज नहीं बनाया है, केवल ड्राइवर स्टेज बनाया है टेस्ट करने के लिए। और आउटपुट स्टेज के लिए मैंने ऐसा ये दो पेयर के और ट्रांजिस्टर लगा। आउटपुट स्टेज में मैंने ये 2+2 यानी 4 ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं। पीसीबी पे नहीं बनाया, उन्हें ऐसे ही वायर अप किया हुआ है। और ये वायरिंग यहाँ पर मैंने लिख दी है कैसे है, स्पीकर बेस जो जैसा आप सर्किट में देख रहे हैं वैसा यहाँ बनाकर इसमें कर दिया है। तो उसकी डिटेल आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। तो चलिए, सर्किट बन चुका है, इसे टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा इनपुट है, इनपुट पे ही मैंने वॉल्यूम कंट्रोल लगा दिया है। और इसमें हम ये ब्लूटूथ का इनपुट सिग्नल जोड़ेंगे। अब चलिए मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये सर्किट ऑन हो गया है। इसके साथ मैंने ये 12 इंच का स्पीकर और एक 8 इंच का स्पीकर इसके पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ये सर्किट कनेक्ट हो गया है, और ये वॉल्यूम यहाँ से प्लस करते हैं। Like it, like it, I do it like a drop. One more time. Oh, like it, like it, I do it like a drop. What's again? Oh, like it.
दोस्तों, इसका साउंड काफ़ी लाउड और क्लियर है, आप इस सर्किट को बनाकर देखिए ज़रूर। एक्चुअली इसमें 8 इंच का स्पीकर मेरा 4 ओम का है और ये 12 इंच का जो है 8 ओम्स है, तो इसीलिए थोड़ा आउटपुट में 8 इंच ज़्यादा जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। बट ऑल्सो 12 इंच का भी साउंड अच्छा है। मैंने यहाँ अरेंजमेंट कर रखा है, ये चाहे तो 8 इंच को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं रिमूव करता हूँ, ये 8 इंच स्पीकर का वायर मैंने रिमूव कर दिया है, अब साउंड ओनली 12 इंच पे है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस सर्किट को बना के देखिए, इसमें का PDF फाइल मैंने इसमें दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हाई पावर वोल्टेज चेक करने के लिए मेरे पास अब उतने स्पीकर नहीं है कि मैं पैरेलल में लगाऊं, इसीलिए मेरे पास ये 100 वाट का लैंप है, 12 वोल्ट 100 वाट, ये देखिए 12 वोल्ट 119 वाट का एक ये फिलामेंट लैंप है, मैं इसे स्पीकर में कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये भी एक लोड का काम करेगा। ये लैंप मैंने कनेक्ट किया है, ये 12 वोल्ट का लैंप है, इसे स्पीकर वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है ये स्पीकर वायर में। अब चलिए साउंड ऑफ ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, ये भी लैंप का लोड आसानी से ले रहा है और ट्रांजिस्टर कोई हीटअप नहीं हो रहा है।